So Kalahazar basically called by a Leishmania donovani. Leishmania donovani are a hemoflagellate. So basically what is hemoflagellates? A protozoan having a flagella जो इन्फेक्ट कर सकता है हमारे ब्लड एंड टिश्यूज को. हीमोफ्लेजलेट अपनी लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट करता है, वन एक वर्टिब्रेट, दूसरा हमारा इंसेक्ट फैक्टर. अब जो हीमोफ्लेजलेट है, अगर मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म देखें हीमोफ्लेजलेट की, दे हैव अ सिंगल न्यूक्लियस, अ काइनेटोप्लास्ट और सिंगल फ्लेजला. न्यूक्लियस राउंड या ओवल शेप में होगा और सेंट्रली लोकेटेड होगा लाइक दैट. काइनेटोप्लास्ट पैराबेसल बॉडी और ब्लेफेरोप्लास्ट टुगेदर मिलकर बनाएंगे काइनेटोप्लास्ट. सो दीज आर अ पैराबेसल बॉडी, अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर, और वायरस ब्लेफेरोप्लास्ट अ डॉट लाइक स्ट्रक्चर. और इस डॉट लाइक स्ट्रक्चर ब्लेफेरोप्लास्ट से अ थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर अराइज होता है, दैट इज नोन एज अ फ्लेजला. सो फ्लेजला हेल्प करता है इन अ मूवमेंट. अब हीमोफ्लेजलेट्स आर ट्रिपैनोसोमास एंड लिशमैनिया. ट्रिपैनोसोमा कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस, वायरस जो लिशमैनिया कॉज करता है लिशमैनियासिस. Now, Kalahazar is also a type of leishmaniasis, also known as visceral leishmaniasis, and they are caused by a causative agent, a Leishmania donovani. So, Kalahazar ka causative agent is Leishmania donovani, and Leishmania donovani are a hemoflagellate, so they complete their life cycle in two hosts. The human is a definitive host, while the sand fly is an intermediate host. Leishmania donovani is an obligate intracellular parasite, and their habitat is reticuloendothelial cells, यानी spleen, bone marrow, liver में present होगा हमारा Leishmania donovani, as well as they are also present in a intestine के macrophages में. Leishmania donovani exists करता है two morphological forms, one is amastigate form, another one is promastigate form. अब जो amastigate form है वो intracellularly present होता है, यानी macrophages में present होगा in a human. Whereas promastigate form extracellularly present होता है, यानी mid gut of the sand fly. As well as जो amastigate form में infective stage है vector का, whereas जो promastigate form में infective stage है human का. Amastigate form की shape राउंड टू ओवल होती है, वाले प्रोमेस्टिगेट फॉर्म की शेप वायरी फॉर्म होती है. साइज एमेस्टिगेट का 3 to 5 माइक्रोमीटर, वाले जो प्रोमेस्टिगेट फॉर्म है उसका साइज 15 to 20 माइक्रोमीटर होता है. न्यूक्लियस एमेस्टिगेट फॉर्म का ऑफ सेंटर होता है, वाले प्रोमेस्टिगेट फॉर्म का सेंटर पे होता है. एमेस्टिगेट फॉर्म का काइनेटोप्लास्ट परपेंडिकुलर होता है टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के परपेंडिकुलर पोजीशन पे हमारा काइनेटोप्लास्ट प्रेजेंट होगा इन एमेस्टिगेट फॉर्म. वाले जो प्रोमेस्टिगेट फॉर्म है काइनेटोप्लास्ट एंटीरियर एंड पे होगा. एमेस्टिगेट फॉर्म में कोई फ्लेजला प्रेजेंट नहीं होता, वाले जो प्रोमेस्टिगेट फॉर्म है उसमें एक्सटर्नली फ्लेजला प्रेजेंट होता है, सो दे कैन इजीली मूव. सैंडफ्लाई और ह्यूमन आर अ टू होस्ट इन अ लिशमानिया डोनोवेनी. सो इन अ लाइफ साइकिल व्हाट हैपन, फर्स्टली सैंडफ्लाई टेक्स अ ब्लड मील, एंड व्हेन दे आर टेकिंग अ ब्लड मील व्हाट हैपन, ये इंजेक्ट करेगा प्रोमेस्टिगेट फॉर्म. इंजेक्ट करेगा जब प्रोमेस्टिगेट फॉर्म, सो फॉरेन बॉडी एंटर करेगी इन ह्यूमन. जब फॉरेन बॉडी एंटर करेगी तो द मैक्रोफेजेस मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होंगे और उस प्रोमेस्टिगेट फॉर्म को फैगोसाइटोस कर लेंगे. अब मैक्रोफेजेस में प्रोमेस्टिगेट फॉर्म एंटर कर गया, अब प्रोमेस्टिगेट फॉर्म कन्वर्ट होगा एमेस्टिगेट फॉर्म में. एमेस्टिगेट फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वो मल्टीप्लाई करेगा, एमेस्टिगेट फॉर्म मल्टीप्लाई करेगी, और एमेस्टिगेट फॉर्म मल्टीप्लाई करके दे विल बी रप्चरिंग द मैक्रोफेजेस. मैक्रोफेजेस रप्चर होंगे, और रप्चर होंगे तो सारे जितने भी प्रोमेस्टिगेट एमेस्टिगेट फॉर्म्स थे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे थ्रू आउट द बॉडी, एंड दे ऑल्सो गो ऑन टू अ ब्लड स्ट्रीम. अगेन सैंडफ्लाई टेक्स अ ब्लड मील, नाउ दे इंजेस्ट अ एमेस्टिगेट फॉर्म, दे इंजेस्टिंग द एमेस्टिगेट फॉर्म, और दिस एमेस्टिगेट फॉर्म एंटर कर जाएगा द मिड कट ऑफ द सैंडफ्लाई. इन अ मिड कट ऑफ सैंडफ्लाई जब वो एंटर करेगा तो दे आर एमेस्टिगेट फॉर्म है. अब एमेस्टिगेट फॉर्म से दोबारा प्रोमेस्टिगेट फॉर्म में कन्वर्ट होगा, एंड प्रोमेस्टिगेट फॉर्म नाउ एंड मिड कट में मल्टीप्लाई करेगी, मल्टीप्लाई होगा और दे विल बी माइग्रेटेड टू अ प्रोबोसिस. सो प्रोबोसिस ऑफ द सैंडफ्लाई, सैंडफ्लाई के प्रोबोसिस में दे विल बी गोइंग माइग्रेटिंग, एंड व्हेन अगेन जब सैंडफ्लाई बाइट करेगा फॉर अ ब्लड मील, ये इंजेस्ट कर दोबारा इंजेक्ट कर देगा प्रोमेस्टिगेट फॉर्म में. They are injecting the promestigate form again. So that is how the cycle will continue again and again. What is the clinical features of the Escherichia kalahazar? So in that the fever as well as weight loss, hepatosplenomegaly, the size of the screen, the spleen as well as the liver ka increase kar jayega, and bone marrow hyperplasia are also seen. So how we diagnose kalahazar? So there is a
different type of diagnosis, the direct evidences or indirect evidences. So direct or indirect evidences ke through we have to be diagnosed. So demonstration of Leishmania Donovani body, so these are direct evidences. Prefer karte hain peripheral blood thick film form karna, and then in which investigate form ko detect karte hain in a number of fields we have to be detect. एनिमल इनोकुलेशन हैमस्टर माइस में इंट्रापेरिटोनियली इंजेक्ट करते हैं एस्पिरेटेड मटेरियल को और बेसिकली इट इज अ लॉन्ग टाइम प्रोसेस. द ब्लड कल्चर इन एनएन मीडिया, सो बेसिकली एनएन मीडिया इज अ रैपिड ब्लड अगार स्लो एंड दीज आर अ बेसिकली टू पार्ट सॉल्ट अगार होता है और वन पार्ट डीफिब्रिनेटेड रैपिड ब्लड होता है. इसमें इनोकुलेट करते हैं और आफ्टर 1 to 4 weeks के बाद हम प्रोमेस्टिगेट फॉर्म्स को हाई पावर पे इजिली देख सकते हैं. और बाय बायोप्सी मटीरियल, आइदर दे आर अ स्प्लीन, बोन मैरो, लिवर या लिम्फ नोड, उसमें से एस्पिरेटेड मटेरियल लिया, उसे स्मेयर फॉर्म किया और स्मेयर को स्टेन करेंगे विद अ जिम्सा स्टेन एंड देन वी हैव टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड लिशमानिया डोनोवेनी. सो दैट इज अ डायरेक्ट एविडेंसेस, आइदर फॉर्मिंग अ पेरिफेरल ब्लड थिक फिल्म, एनिमल इनोकुलेशन करके, ब्लड कल्चर करके इन एनएन मीडिया और बायोप्सी मटीरियल. देन देयर इज अ इनडायरेक्ट एविडेंसेस, इनडायरेक्ट एविडेंसेस में हम डायरेक्टली ब्लड पिक्चर फॉर्म कर सकते हैं. ब्लड पिक्चर में द कंप्लीट ब्लड काउंट, हीमोग्लोबिन लेवल एज वेल एज जो सीरम प्रोटीन्स हैं उनका लेवल डिक्रीज कर जाएगा एंड ASR लेवल एलिवेट करेगा. सीरम टेस्ट कर सकते हैं, एल्डिहाइड एंड एंटीमनी टेस्ट. एल्डिहाइड टेस्ट में बेसिकली इट इज ऑफ एग्लूटिनेशन टेस्ट है, हम चेक करते हैं एग्लूटिनिन, इन विच व्हाट वी डू एल्डिहाइड में 40% फॉर्मलिन ऐड करेंगे इन अ 1 ml सीरम. इन 1 ml सीरम में 40% फॉर्मलिन ऐड करके इफ देयर इज अ एग्लूटिनेशन आर सीन सो दे आर पॉजिटिव. एंटीमनी टेस्ट में 1 to 2 ml सीरम में देयर इज अ 4% यूरिया स्टिबामाइन ऐड करते हैं और देन देयर इज अ फ्लॉकुलेशंस आर सीन सो दे आर पॉजिटिव. सेरो डायग्नोसिस एंटीजन और एंटीबॉडी डिटेक्ट करके बाय एलाइजा और इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेक्निक के थ्रू हम एंटीजन एंड एंटीबॉडी डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं. एज वेल एज स्किन टेस्ट ऑल्सो नोन एज लिशमैनिन टेस्ट. लिशमैनिन टेस्ट में व्हाट वी डू 0.1 ml किल प्रोमेस्टिगेट का सस्पेंशन लेंगे, उसे इंजेक्ट करेंगे ऑन अ फोरआर्म आफ्टर 48 to 72 hours के बाद 5 ml या उससे ज्यादा का इंड्यूरेशन या एरिथेमा सीन हो रहा है सो दैट इज दे आर अ पॉजिटिव स्किन और लिशमैनिन टेस्ट. बट दे आर negative in Kala Azar. So Leishmanin test is negative in Kala Azar.